विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती और अकोला शहर में गर्मी में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जाता है। इसलिए विदर्भ में रहने वाले बहुत से लोग मई के महीने की भीषण गर्मी में स्थिति के बारे में सोचकर विदर्भ में आने की हिम्मत नहीं करते हैं। विदर्भ के इन 4 से 5 शहरों में देश के अन्य शहरों की तुलना में तापमान में इतनी वृद्धि क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इस खोज के बाद कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने आई है। चूंकि विदर्भ कर्क रेखा के बहुत करीब है, सूर्य की किरणें सीधे विदर्भ पर पड़ती है। साथ ही इस क्षेत्र में कोई पठार या पहाड़ नहीं है, ये एक समतल भूभाग है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू के मुताबिक विदर्भ के नागपुर, अकोला, चंद्रपुर और वर्धा में दिन का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। रात का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नतीजतन चंद्रपुर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक है। विदर्भ के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति है। विदर्भ काफी गर्म रहता है और यहाँ पे ज्यादातर मतलब अगर अधिकतम नहीं तो सेकंड थर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर तो विदर्भ का आता है। जो राजस्थान के बाद सबसे गर्म जो है वो विदर्भ रहता है। तो इसका कारण ये है कि पहली चीज़ तो ये होता है कि एंटी साइक्लोनिक जो मूवमेंट होता है वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, उसके एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण में नॉर्थ वेस्टर्ली जो विंड है, मतलब राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएँ आती है जो शुष्क और ड्राई होती है और हॉट होता है, तो उसके कारण हमारे यहाँ पे एक तो टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे सोलर रेडिएशन जो होता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लाइन ऑफ कैंसर के काफ़ी क्लोज है, तो वो एक इफेक्ट होता है कि एक डायरेक्ट सोलर रेडिएशन काफ़ी मिलता है, दूसरा विंड के थ्रू भी ड्राई एंड हॉट विंड आती है, और तीसरा रीज़न ये है कि इस एरिया में जो है प्लेन लैंड ज़्यादा है, यहाँ पर हिली एरिया नहीं है, तो इसलिए इस एरिया में जो है सॉइल जो है वो काफ़ी गर्म होता है। यहाँ की ज्योग्राफी इस टाइप से है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। चंद्रपुर वगैरह जो है ये सबसे हॉट इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे इसके अलावा काफ़ी माइंस हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट है, तो पॉल्यूशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण जो है वहाँ का टेम्परेचर बाकी जगह से 1-2 डिग्री ज़्यादा मिलता है। तो ये मूल कारण है, इनके कॉम्बिनेशन के कारण जो है विदर्भ काफी गर्म होता है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।